मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, 300 फरियादियों की सुनी फरियाद, कहा डॉक्टर से मंगवा लीजिए एस्टीमेट, सरकार देगी इलाज का पैसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के समापन के अवसर पर पहुंचे एमपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर शिक्षा परिषद की तरफ से एक सप्ताह तक चलने वाली प्रतियोगिता में विजयी छात्र व छात्राओं को प्रशस्ति पत्र मेडल देकर किया सम्मानित। कहा शिक्षित होने के साथ ज्ञानवान होना महत्वपूर्ण, परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांस गांव के जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में पहुंचकर बाबू चतुर्भुज सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा शिक्षा से ही छात्र बढ़ सकता है आगे, आज के छात्र कल के हैं देश के भविष्य। नगर निगम ने महानगर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए बनाया 2 स्प्रिंकलर, सड़कों पर से धूल होगा गायब, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने दी जानकारी। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने एम्स गोरखपुर से किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। कहा पोलियो का खतरा अभी भी, बच्चों को दवा पिलाने से ही होगा बचाव। गोरखपुर महानगर में बिना लाइसेंस के ई रिक्शा चलाते हुए चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस टीम द्वारा रेलवे रोडवेज तिराहे पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। बिना लाइसेंस के साथ पकड़े गए ई रिक्शा के खिलाफ की गई सीज की कार्रवाई। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सरदार नगर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हुए सम्मिलित, सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद।